जी हाँ, मामला है जिला शहडोल के व्यापारी विकास खंड अंतर्गत नशे का कारोबार भारी मात्रा में बिक्री जारी है। ज्ञातव्य हो श्रीमान दिनेश सागर एडीजे के कुशल मार्गदर्शन एवं अवधेश गोस्वामी पुलिस अधीक्षक शहडोल के नेतृत्व में पूरे जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाकर शहडोल जिले को नशा मुक्त करने का जो बीड़ा उठाया गया है उसका समाज में काफी प्रशंसा हो रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नशे का व्यापार फुल रहा था, जिसमें एडीजे दिनेश सागर साहब के कर्तव्य निष्ठा एवं कर्तव्य परायण होने का सबूत है। व्यापारी के में इस समय अवैध रेत परिवहन, गांजा शराब कॉरेक्स, यहां तक कि बंदूक बनाने की फैक्ट्री तक मिली। देखने वाली बात यह होगी कि आगे नशे के कारोबार में बढ़ोतरी होती है या रोकथाम लगती है। एक बात तो निश्चित है कि नशे के अवैध कारोबार में लिप्त ड्रग्स माफियाओं के होश उड़े हुए हैं। और क्या कहना चाहिए, गांजा टैबलेट तक, ब्राउन शुगर तक, बल्कि इसमें शराब भी जो गांव 20 घंटे एक नंबर चालू है आपकी सूचनाओं को सुनने के लिए और उस पर कार्रवाई करने की। मॉनिटरिंग मैं खुद भी करता हूं और एक डीएसपी खुद कर रही है उसकी मॉनिटरिंग। तो मेरा बस आप लोगों से एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को से एक आह्वान करने आया हूं कि ये एक ऐसी समस्या है कि जिसमें अगर आप अभी नहीं चेते तो फिर समाज का बहुत नुकसान होगा। लोग 15 से 25 साल की उम्र के लोग इसमें बहुत तेजी से जा रहे हैं। मेरे जैसे एसपी के लिए तो ये बड़ी तकलीफ की बात है। तो मैंने इसमें ये ऑपरेशन शुरू किया और ये बीड़ा उठाया। आपसे बस निवेदन ये है कि घर घर में ये नंबर पहुंच जाए और लोगों को ये मालूम चल जाए कि नहीं, अगर हम इस नंबर पर सूचना देंगे तो 100% कार्रवाई होगी, या तो स्थानीय पुलिस की तरफ से होगी या शहडोल की टीम होगी। बस ये मैसेज जो है आपके कस्बे में, कस्बे का मतलब व्यवहारी कस्बा नहीं, व्यवहारी देवलोन पपोन सीधी सभी जगह देना चाहिए। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की ये रिपोर्ट।